देखिए, मैंने तसल्ली से इस वीडियो में जो भी सेंटेंसेस दिए हैं स्टार्टिंग में वो पढ़ लीजिए, और अगर आपसे ये बन जाए तो ये वीडियो मत देखिएगा, और अगर ना बने तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली आपको वो सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपको कई बार प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में बोलने में। तो मैं आज वो सेंटेंसेस लेके आया हूँ ताकि जब आप अंग्रेजी में किसी से बोलें तो आप इंग्लिश में उन सेंटेंस को बोल सकें, आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। बट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे सेंटेंसेस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पढ़ लिया सेंटेंसेस को, वीडियो लास्ट तक देखिए, सेंटेंसेस को नोट डाउन करिएगा नोटबुक में तो मजा आएगा बोलने में, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, हाउ फॉर्चुनेट आई एम यू केम। भाई धन्य भाग्य हमारे जो आप पधारे, है ना। वेलकम और नॉट, आई एम योर गेस्ट। भाई मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हैव अ सीट प्लीज, या फिर बी सीटेड प्लीज। तशरीफ रखिए अपनी, राइट, बैठे रहिए। हैव अ सीट, बी सीटेड, बैठे रहिए, या फिर हैव अ सीट। आर यू कम्फी, भाई आप आराम से हो क्या। अब इस सेंटेंस को लोग बोलते हैं आर यू कम्फर्टेबल, तो ये गलत हो जाता है, तो ये होगा भाई आर यू कम्फी। नेक्स्ट, आई एम कम्फी, हाँ भाई मैं आराम से हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम कम्फी। भाई इज दिस चेयर कोजी, क्या ये कुर्सी आरामदायक है। यस, दिस चेयर इज कोजी, अगर कोई चीज आरामदायक है तो आप उसको कोजी बोलते हो, राइट, ये कुर्सी आरामदायक है। भाई वुड यू केयर फॉर एनीथिंग, अब देखिए यहाँ पर आई प्रॉमिस कि आपसे इस सेंटेंस में आपको केयर फॉर का कुछ अलग ही मतलब दिखाई दे रहा होगा। केयर मतलब भाई किसी का ध्यान रखना, नहीं नहीं नहीं, केयर फॉर का मतलब होता है अगर आपके घर पर कोई मेहमान आए, स्पेशली फॉर मेहमान, तो उससे जब हम पूछते ना भैया भाई कुछ लोगे क्या, कुछ लोगे क्या, तो वुड यू केयर फॉर समथिंग, कुछ लेंगे आप, वुड यू केयर फॉर एनीथिंग, वुड यू केयर फॉर एनीथिंग। तो केयर फॉर मतलब होता है किसी कुछ ऑफर करना खाने के लिए, राइट, स्पेशली मेहमान। या फिर आप पूछ सकते हो आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, व्हाट वुड यू केयर फॉर, टी और कॉफी। देखिए हम बोलते हैं व्हाट वुड यू टेक, व्हाट वुड यू हैव, व्हाट वुड यू ईट, लेकिन अब स्पेशल वर्ड है हमारे पास केयर फॉर, स्पेशल मेहमानों के लिए, व्हाट वुड यू केयर फॉर, टी और कॉफी। या फिर वुड यू केयर फॉर टी, चाय लेंगे आप, भाई पूछते ना कई बार किसी से, भाई सुनिए चाय लेंगे आप, वुड यू केयर फॉर टी। व्हाट विल डू, टी और कॉफी। अब यहां पर इस सेंटेंस की हिंदी है क्या चलेगा, चाय या कॉफी। बोलता हूँ अब जैसे कि हम रेस्टोरेंट गए हमारे दोस्तों के साथ, हमने बोला सुन भाई कॉफी चलेगी, तो वो क्या बोलता है, हाँ भाई हाँ कॉफी चलेगी यार, हाँ भाई भाई चाय चलेगी, टी विल डू, कॉफी चलेगी, कॉफी विल डू। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये रेस्टोरेंट में बड़ा काम आएगा आपके। एनीथिंग विल डू यार, कुछ भी चलेगा, चाय कॉफी क्या लोगे भाई, अरे कुछ भी चलेगा यार, एनीथिंग विल डू। देखिए है ना मजेदार सेंटेंसेस, आपको मजा भी आ रहा होगा भाई। नथिंग विल डू, कुछ भी नहीं चलेगा, रहने दो, एवरीथिंग इज ऑल राइट, आई डोंट वांट एनीथिंग, राइट। नथिंग विल डू, कुछ भी नहीं चलेगा, ओनली अ ग्लास वाटर विल डू, अ ग्लास वाटर विल डू, एक ग्लास पानी चलेगा बस, अ ग्लास वाटर विल डू, केवल एक ग्लास पानी चलेगा। आई हैव जस्ट हैड माय फिल, आई हैव जस्ट हैड, बहुत फेमस सेंटेंस है बाबा ये, मैंने अभी अभी खाना खाया है, राइट, मैंने अभी अभी खाना, आई हैव जस्ट हैड माय फिल। नेक्स्ट, आई हैव जस्ट हैड टी, मैंने अभी अभी चाय पी है भाई, आई हैड माई फिल ऑफ। अब ये रूल है यहाँ पर, राइट, आई हैड माई फिल ऑफ, एक्शन आई एन जी, मैंने जी भर के ये काम किया। देखिए भाई मैंने जी भर के इंजॉय किया, आई हैड माई फिल ऑफ इंजॉइंग, आई हैड माई फिल ऑफ इंजॉइंग, भाई मैंने जी भर के खाना खाया, आई हैड माई फिल ऑफ ईटिंग, आई हैड माई फिल ऑफ ईटिंग, I had my fill of movies. मैंने जी भर के मूवीज देखी भाई, जी भर के छुट्टियों में जी भर के मूवी देखी मैंने, I had my fill of movies. I had my fill of sleeping. जी भर के सोया भाई मैं, जी भर के मजा आ गया भाई, I have my fill of action ing. भाई मैं जी भर के काम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हिंदी थी मैं जी भर के काम किया, यहाँ पर had आया, और यहाँ पर हिंदी है मैं जी भर के काम करता हूँ, राइट भाई। I have fill of my, I have fill, I have my fill of eating. मैं जी भर के खाना खाता हूँ भाई, I have my fill of eating. इससे example बनाइएगा तो आपको बहुत मजा आएगा इस रूल से, और जो भी जी भर के किया और जो भी जी भर के करते हो दोनों में example बनाइएगा, right? I have my fill of eating. मैं जी भर के खाना खाता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए भाई ये वो sentences थे जो आपने पहले इनकी हिंदी देखी, शुरू से करते हैं।
आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी देखी, आपसे हिंदी में नहीं बना तो हमने इनकी इंग्लिश सीखी, राइट। बहुत मजेदार सेंटेंसेस है, कोशिश करिएगा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए सबसे फेवरेट आपका क्या रहा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।